नमस्कार, मैं मोनिका राणा, ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्कोस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। 17 जुलाई को गंगा में प्रवाहित होंगी पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की अस्थियां। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के अस्थि कलश कल ही प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों में पहुंच गए थे। इस दौरान अपने लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ाया। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के अस्थि कलश को विभिन्न विकास खंडों में एक जगह पर रखा गया, जहां लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजा वीरभद्र सिंह जी अमर रहे नारों से हिमाचल का आकाश गूंज पड़ा। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की अस्थि 17 जुलाई यानी कि आज सुबह 10 बजे के बाद नदियों या सरोवरों में विसर्जित की जाएगी। शाही परंपराओं के अनुसार उनका मुख्य अतिथि कलश लाहौल स्पीति के चंद्रभागा नदी के संगम पर आंधी में प्रवाहित किया जाएगा। यह रस्म उनके पुत्र राजा विक्रमादित्य सिंह पूरी करेंगे, जबकि मान्यता के अनुसार एक कलश उनके चचेरे भाई हरिद्वार में प्रवाहित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में 26 जुलाई से होंगे दाखिले, 16 अगस्त से नया सत्र, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 26 जुलाई से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। 16 अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा स्नातक और शास्त्री प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के चलते मंत्रिमंडल की बैठक में 7 जुलाई को स्नातक और शास्त्री प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। हिमाचल के जिला हमीरपुर में 3 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। जिले में शुक्रवार को 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से आरटीपीसीआर टेस्ट में 1 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 लोगों की पुष्टि हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि शुक्रवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के कुल 1908 सैंपल लिए गए, जिनमें से 2 पॉजिटिव निकले। इनमें जिलाड़ी का 53 वर्षीय व्यक्ति और बलोगनी की 33 वर्षीय महिला शामिल है। इनके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर में आरटीपीसीआर टेस्ट में 1 11 वर्षीय लड़का पॉजिटिव पाया गया है। सेना में जाने का मौका, भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। भारतीय थल सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए सूबे के 3 जिलों हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के युवाओं का ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ कर दिया गया है। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने बताया कि इन पदों के लिए तीनों जिलों के पात्र युवा 28 अगस्त तक भारतीय थल सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले युवाओं को ही आगामी भर्ती रैली में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कर्नल त्यागी ने बताया कि सैनिक सामान्य ड्यूटी के पदों के लिए संभवतः सुजानपुर में 5 फरवरी 2022 से भर्ती रैली होगी। इसी प्रकार सैनिक क्लर्क, टेक्नीशियन और स्टोर कीपर के पदों की भर्ती भी संभवतः सुजानपुर में 5 फरवरी से आरंभ होगी। सैनिक फार्मा के पदों की भर्ती इसी वर्ष 6 नवंबर से कुल्लू या मंडी में हो सकती है। सैनिक ट्रेडमैन की भर्ती रैली अगले वर्ष 2 मार्च से संभवतः रामपुर बुशहर के निकट अवेरी पट्टी में करवाई जाएगी। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश, 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 से 20 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 22 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। विभाग ने बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उधर शुक्रवार को राजधानी शिमला व आसपास के भागों में बादल छाए रहे, हल्की धूप भी खिली। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश का मर्डर थी अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के साथ। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की कंधार में हत्या कर दी गई है। ये जानकारी भारत स्थित अफगानिस्तान के दूतावास के राजदूत फरीद महमूदे ने शुक्रवार को दी।
श्री फरीद मुवेदे ने ट्वीट कर कहा कि कंधार में गुरुवार रात दोस्त दानिश की हत्या की सूचना पाकर दुखी हूँ। भारतीय पत्रकार एवं पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के साथ में थे। मैं उनसे 2 सप्ताह पहले मिला था जब वो काबुल जाने वाले थे। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। विरोध में 10 अगस्त को कार्य बहिष्कार करेंगे देशभर के बिजली कर्मचारी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने शुक्रवार को बताया कि बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मियों सहित देशभर के करीब 15 लाख बिजली कर्मी आगामी 10 अगस्त को एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले 19 जुलाई को राजधानी लखनऊ सहित सभी जिलों और बिजली परियोजना परिसरों में विरोध सभाएं की जाएंगी और 29 जुलाई को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली कर्मियों का प्रांतीय सम्मेलन होगा जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। संघर्ष समिति द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार निजीकरण की दृष्टि से बिजली संशोधन विधेयक को संसद के मानसून सत्र में रखने जा रही है जिसका बिजली कर्मियों और बिजली उपभोक्ताओं पर व्यापक प्रतिकूल असर होगा। इस विधेयक को लेकर बिजली कर्मचारियों और बिजली उपभोक्ताओं से कोई राय नहीं ली गई है, केवल औद्योगिक घरानों से ही विचार विमर्श किया गया है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, जो डरते हैं उन्हें पार्टी से निकालो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन नेताओं पर निशाना साधा जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जो डरते हैं वे पार्टी छोड़कर चले जाएं। हमें डरपोक नहीं बल्कि निडर नेताओं की जरूरत है। जो डरते हैं उन्हें पार्टी से निकालो। राहुल गांधी सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो डरते हैं और जाना चाहते हैं वे चले जाएं। हमें निडर लोगों की जरूरत है। राहुल का इशारा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेताओं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद की ओर था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें भाजपा के फेक न्यूज से डरने की जरूरत नहीं है। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, जब्त की 4.20 करोड़ रुपए की संपत्ति। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए वसूली कांड में ईडी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.20 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले पर अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत एक अस्थायी कुर्क की आदेश जारी किया गया है। बता दें कि 72 वर्षीय देशमुख पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कम से कम 3 समन में शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी संघीय जांच एजेंसी ने तलब किया था, लेकिन उन्होंने भी गवाही देने से इनकार कर दिया। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सितंबर में मिलेंगे स्कूल बैग टेंडर आमंत्रित। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सितंबर महीने में स्कूल बैग मिल सकते हैं। खाद्य आपूर्ति निगम ने टेंडर आमंत्रित कर कंपनियों से आवेदन मांग लिए हैं। 21 दिन के भीतर कंपनियों को सैंपल जमा करने को कहा है। जिन कंपनियों के सैंपल पास होंगे उन्हें ही टेंडर में शामिल किया जाएगा। बीते महीने ही खाद्य आपूर्ति निगम ने स्कूल बैग के चलते कंपनियों से सैंपल मांगे थे। कुल 6 कंपनियों ने भाग लिया था, इसमें से 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए। इसके चलते टेंडर रद्द किया गया। अब दोबारा से टेंडर आमंत्रित किया है। हिमाचल में 1ली 3री 6ठी 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बैग दिए जाने हैं। कोरोना के चलते प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद है। निगम का मानना है कि जैसे जैसे बंदिशें हटाई जा रही हैं, इसे लग रहा है कि स्कूल खुल सकते हैं। ऐसे में सरकार ने विद्यार्थियों के लिए बैग देने का फैसला लिया है। खाद्य आपूर्ति निगम सिर्फ बैग के टेंडर करेगा। स्कूलों में विद्यार्थियों को बैग उपलब्ध कराना शिक्षा विभाग का जिम्मा होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मानिका राणा आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज़। धन्यवाद। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वॉचिंग हिलक्रिस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्रिस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखें हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्रिस्ट न्यूज के साथ। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वॉचिंग हिलक्रिस्ट न्यूज।
आई एम गरिमा, मेरा नाम है आशीष, ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलकुश टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखें हिमाचल 365 टीवी।